देखिए, मैं पाकिस्तानी से बहुत अफसोस करता हूँ। वैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम भी ले, पाकिस्तान के साथ बहुत नफरत करता हूँ, फिर भी पाकिस्तानी को एक बात कहता हूँ। देखो, आपके पास ये तालिबान के सपोर्ट के अलावा कुछ और तरीक़ा, कुछ और ज़रिया भी नहीं है। अब ये तालिबान अगर इतना अच्छा है, प्लीज़ आप भी एक बार अजीम को मैं बोलता हूँ, एक बार हिम्मत करो, बोलो अपनी तालिबान तरीक टीटीपी पाकिस्तान के लिए भी जगह दे दो अपनी सरकार के लिए। आप भी एक दिन टीवी में, मीडिया में एक बार नारे लगा दो तालिबान तरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए। आप हमारे लिए क्यों इतना सोचते हैं पाकिस्तान? क्यों हमारे लिए तालिबान अच्छा और आपके लिए तालिबान बुरा? ये किस तरह इंसाफ है? किस तरह अपने आपको मुसलमान कहते हैं? आप अजीम, तुम चाहते हैं कि तुम्हारा वाइफ, तुम्हारा बहन तालिबान के पास जाकर और घर में बैठ कर वो पढ़ाई ना करें? बोलो अजीम, मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे जवाब दो। तुम चाहते हैं कि तुम्हारा वाइफ बहन बेटी तालिबान के कब्जे लांदे? जवाब लेते निसार जी, जवाब लेते तालिबान के जी। वो तालिबान के पास जाकर वो पढ़ाई ना करें, तुम चाहते हैं? ठीक है निजार भाई, पैसे पूरे हो गए आपके, जरा खामोशी से सुनिए जरा। अच्छा, नहीं नहीं, व्हाट डू मीन पैसे पूरे हो गए? आपको भी पैसे देके बुलाया है क्या? आप डिबेट की मेरिट पे बात करिए, डिबेट की मेरिट पे बात करिए, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूँ। आपसे बहुत सही सवाल पूछा निसार ने कि क्या आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को भेजेंगे तालिबान के इस राज में और बोलेंगे घर में बैठे रहो, पढ़ाई मत करो? बोलिए, जवाब दीजिए। मैं जवाब दूं? जवाब दे रहा हूँ। अब बात याद नहीं, इंटरप्ट नहीं करना, जैसे दूसरों को नहीं किया। नहीं, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए किसी पर। नहीं मैम, पर्सनल अटैक उस वो जब वो पर्सनल अटैक कर रहे तब तो आप उसको नहीं रोक रहे हैं। उसने क्या क्या बोला है? क्या बोला उन्होंने? वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा मौजू सवाल है उन्होंने। उन्होंने आपके कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठाया। जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट बनिए आप। आप एक एंकर है, एंकर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं अपने एंकरिंग। आप जवाब दीजिए जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप क्यों आपके पास जवाब नहीं है जो आप मुद्दे डिरेल कर रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं जो आप मुद्दे डिरेल कर रहे हैं? आप मुद्दे पर आइए ना। सुने, अगर आप सुन नहीं सकते तो मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ, लेकिन मुद्दा जो है उस पर बोलिए। सुने, मैं बोल रहा हूँ। अब पहले, सबसे पहला सवाल निसार साहब ने उठाया कि जनाब आप टीटीपी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, अगर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान की जो है तालिबान की हुकूमत है। भाई निसार साहब, सबसे पहली बात यह है कि टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान में फर्क जानिए। मेरा ख्याल है कि आप एक एक्टिविस्ट होंगे, एक जर्नलिस्ट होंगे, आपको इतना पता होगा कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो अफगानी होते हुए कुव्वतों के खिलाफ। अजीम फर्क बता दो, अजीम तुम फर्क बता दो, एक बार क्या फर्क है तारे टीटीपी पे पाकिस्तान और तालिबान पे अफगानिस्तान का क्या फर्क है? सुनो, मैं समझाता हूँ, मेरे भाई समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो अजीम, इस तरह बात करो, अजीम सोच समझ कर के साथ बात करो। तुम सोचो कि एक टीवी शो में हो तो ईरान मंदई में नहीं हो। सोच के सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए निसार भाई, 30 सेकंड अजीम पर, 30 सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, 30 सेकंड जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है, हाँ बात यह है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लड़ रही है। अफगानिस्तान के तालिबान इसलिए अलहदा है कि अफगानिस्तान के तालिबान बाहर से आई अमेरिकन कुव्वत के खिलाफ लड़ रहे हैं, अफगानियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, फर्क मालूम, अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ नहीं लड़े? क्या बात कर रहे हैं आप? वहां पर अफगानिस्तान फौजियों को नहीं मारा तालिबान ने? चलिए सुनिए, मैं आता हूँ एक बार। एक परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।